नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रद्धा वस्त्रेष्ठ आपका सबकी शिक्षा में बेहद स्वागत करती हूँ। बहुत सारे लोग जो कि EWS कैटेगरी के हैं, वह सवाल करते हैं मुझसे कमेंट के माध्यम से कि क्या हमें भी कास्ट सर्टिफिकेट की ज़रूरत होगी। तो इस सवाल का जवाब मैं पहले भी बहुत सी वीडियोस में दे चुकी हूँ, लेकिन क्योंकि अब फॉर्म निकलने का समय बहुत करीब आ गया है और मुझे लगता है कि इसी महीने DOE यानी कि डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन दिल्ली के माध्यम से घोषणा कर दी जाएगी कि कब निकल रहे हैं EWS कैटेगरी के फॉर्म, DG कैटेगरी के फॉर्म और चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स कैटेगरी के फॉर्म, नर्सरी केजर पहली क्लास के। तो ऐसे समय में पेरेंट्स के मन में थोड़ी सी एंजाइटी ज़्यादा होना स्वाभाविक है। तो मैं आप सभी को बताना चाहूँगी कि यदि आप EWS कैटेगरी के हैं, आप यदि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के माध्यम से RTE के लिए अप्लाई कर रहे हैं अपने बच्चों के लिए नर्सरी केजर पहली कक्षा में निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करने के लिए, या फिर आप चाहते हैं दूसरी और उससे ऊपर की कक्षाओं में EWS फ्रीशिप कैटेगरी के तहत निःशुल्क शिक्षा के लिए अपने बच्चों के लिए अप्लाई करें, तो आपको किसी भी तरह से कास्ट सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। EWS कैटेगरी वालों को कास्ट सर्टिफिकेट यानी जाति सर्टिफिकेट की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं आप सभी को बताना चाहूँगी कि कास्ट सर्टिफिकेट जो होता है जाति सर्टिफिकेट पर DG कैटेगरी का हिस्सा है। उसकी उन लोगों को ज़रूरत पड़ेगी जो SC कैटेगरी में आते हैं, शेड्यूल कास्ट कैटेगरी में आते हैं, या फिर ST कैटेगरी में आते हैं, शेड्यूल ट्राइब कैटेगरी में आते हैं, या फिर जो लोग OBC NCL कैटेगरी में आते हैं, अदर बैकवर्ड क्लास नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं। तो आपको जो EWS कैटेगरी के लोग हैं उन्हें बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी कास्ट सर्टिफिकेट की अपने बच्चों का दाखिला करवाते समय। इसीलिए आप बिल्कुल चिंता मुक्त हो जाएं, आपको कास्ट सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। उम्मीद करते इस जानकारी से आपको लाभ होगा। मुझे डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।